जय बजरंग बली। प्रिय मित्रों, आज पुनः आप लोगों का आपके भाग्य ज्योतिष चिंतन में स्वागत है। मित्रों, आज हम सब चर्चा करेंगे दक्षिण मुखी मकान को लेकर। दक्षिण दिशा को घर के लिए अशुभ माना जाता है, परंतु वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा सभी दिशाओं के लिए अशुभ नहीं होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुछ राशि के जातकों के लिए दक्षिण मुखी मकान बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। मित्रों, 12 राशि के अनुसार उनके अक्षर का प्रथम नाम से जो प्रारंभ होता है, उनके अनुसार आप जान सकते हैं क्या शुभ है या अशुभ है। मित्रों, मेष राशि के जो शब्द हैं चू, चे, चो, ला, ली, लू, ले, लो, आ, मेष राशि के जातकों के लिए दक्षिण मुखी घर काफी शुभ रहता है। दक्षिण मुखी घर से मेष राशि के जातकों के व्यक्तिगत के लिए बहुत अधिक शुभ माना जाता है। इसके बाद मित्रों, वृष राशि के जो शब्द आते हैं ई, ऊ, ए, ओ, वा, वी, वू, बे, वो, वृष राशि के जातकों के लिए दक्षिण मुखी घर में रहना अशुभ माना जाता है। इस घर में रहने से आपको अधिक खर्च और आपको अधिक नुकसान होता है। वृष राशि के जातक यदि रहते हैं दक्षिण मुखी मकान में। मिथुन राशि के शब्द जो हैं का, की, कु, घा, अंगा, छा, के, को, हा, जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मिथुन राशि के जातकों को इस राशि इस दिशा में अशुभ फल प्राप्त होता है। इस दिशा में रहने से उनको बहुत सारी बीमारियां भी घेर लेती हैं और वह बीमारियों में उनका पैसा खर्च होने लग जाता है। इसके बाद मित्रों, कर्क राशि के शब्द हैं ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे, डो। कर्क राशि के जातकों के लिए यह दिशा काफी शुभ रहती है। इस दिशा में घर होने से मान सम्मान भी बढ़ जाता है और नौकरी में प्रमोशन हो जाता है और नौकरी चाकरी काफी उनको प्रयत्न ना करने पर भी प्राप्त हो जाती है। अब इसके बाद मित्रों, सिंह राशि के शब्द जो हैं मा, मी, मू, ने, मो, ता, टी, टू, टे से जिनका नाम प्रारंभ होता है। सिंह राशि के जातकों के लिए दक्षिण मुखी का मकान शुभ रहता है। ऐसे लोगों को एक से अधिक भवन प्राप्त होते हैं और कई ज्यादा उनको भवन प्राप्त हो जाते हैं और उन्हें बहुत शुभ फल प्राप्त करता है। इसके बाद मित्रों, कन्या राशि टो, पा, पी, पू, सा, अड़ा, ठा, पे, पो, कन्या राशि के जातकों को ऐसे घर में रहने से बचना चाहिए। दक्षिण मुखी घर कन्या राशि के लिए अशुभ होता है। इन लोगों के लिए इस घर में यदि रहते हैं तो कई प्रकार की परेशानियां आती हैं और उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, इसलिए मित्रों बिल्कुल ना रहें। तुला राशि के जातक का नाम जिनका प्रारंभ होता है रा, री, रू, रे, रो, ता, ती, तू, ते, तुला राशि के जातकों के लिए दक्षिण मुखी घर सामान्य माना जाता है। उनके लिए ना तो नुकसान देता है ना तो फायदा देता है। ऐसे घर में रहने से मध्य परिवार रहता है और उन्हें हमेशा जीवन मध्य ही उनका व्यतीत होता है। इसके बाद मित्रों, वृश्चिक राशि जिनका नाम अक्षर प्रारंभ होता है तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, ई, उ, वृश्चिक राशि के लिए दक्षिण मुखी घर शुभ परिणाम देने वाला होता है। ऐसे घर में रहने में मान सम्मान, आत्मबल और वृद्धि होती है और कुल की वृद्धि उसमें विशेष ज्यादा होती है। इसके बाद मित्रों, धनुराशि में जिनके शब्द आते हैं ए, ओ, भा, भी, भू, धा, फा, धा, फे, धनुराशि के जातकों के लिए संतान की दृष्टि से दक्षिण मुखी
घर काफी अच्छा रहता है। इस घर में रहने से संतान उच्च शिक्षा प्राप्त करती है। जिन व्यक्तियों का नाम प्रारंभ होता है उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। इसके बाद मित्रों मकर राशि का जिनका नाम आता है भो जा जी खी खू खा खो गा गी, इन अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए मकर राशि के जातकों के लिए दक्षिणमुखी घर मिल जाने पर धन का लाभ होता जरूर है, परंतु व्यवसाय में उनका नुकसान होता है। मित्रों कुंभ राशि के जातक गु गे गो सा सी सु से सो दा, कुंभ राशि के जातकों के लिए दक्षिण दिशा में रहने से जीवन बहुत ज्यादा संघर्ष में रहता है और संघर्ष के साथ उन्हें व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए मित्रों आपको ध्यान रखना है क्या आपके लिए शुभ है क्या अशुभ है, क्योंकि बहुत से मित्र कहते हैं कि कुछ दिशाएं अशुभ होती हैं, ऐसा नहीं है। मित्रों मीन राशि दी दू था झा दे दो चा ची, मीन राशि के जातकों के लिए दक्षिण मुखी घर शुभ रहता है। मीन राशि के जातकों के लिए दक्षिण मुखी घर भाग्य लेकर आता है। इसलिए मित्रों आप सबको ध्यान रखना है कि बहुत से कह देते हैं कि नहीं दक्षिण मुखी मकान बहुत ही खराब होता है, ऐसा नहीं होता है। सभी दक्षिण मुखी हो पश्चिम मुखी हो पूर्व मुखी हो उत्तर मुखी हो सभी के लिए सभी मुखी घर आपको शुभ नहीं दे सकते हैं। राशि के अनुसार आप देखेंगे तो आपको अलग अलग शुभ फल प्रदान करेंगे। कभी कभी पूर्व मुखी भी मकान नुकसान देता है जातकों को। इसलिए मित्रों आपको ध्यान रखना है कि किस जातक के लिए कौन सा मुखी मकान शुभ रहेगा या अशुभ रहेगा। मित्रों आपको ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों को शेयर करें ताकि उनको भी पता लग सके, भय बिल्कुल ना रहे कि दक्षिण मुखी मकान के लिए अशुभ है या शुभ है। मित्रों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें ताकि अगली आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सके। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, और मित्रों जय श्री राधे जरूर लिखें।